नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बड़े पैशनेट तरीके से आपने इस मंथ को स्टार्ट किया है। जितना पैशनेट तरीके से आप मंथ को स्टार्ट करेंगे ना, उतनी खुशियां, उतनी हैप्पीनेस, अबंडेंस आपके साइड अट्रैक्ट होगी। वही हो रहा है, आप पैशनेट हैं, पेंटिकल आपके साथ खुद आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली, अबंडेंस खुद आ रही है आपके पास। मूवमेंट है आपकी एनर्जी में, स्टक नहीं है आप कहीं भी। फोर ऑफ वॉन्स, आपकी लव लाइफ में इस वीक में कोई पार्टनर, आप जिसका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो पार्टनर आपके साइड कब लेके आ रहा है, आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है, रिकंसिलेशन यहाँ मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ हैप्पी फैमिली, सारी खुशियां, सारा एबंडेंस, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो विश है, सारी फुलफिल होने वाली है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है आपको। अभी तक मैं बता रही थी ना, जो चीजें स्टक हो गई थी ना आपकी लाइफ में, एकदम से वर्क होने लगेंगी। करियर में भी अगर आप स्टक हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस में समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अचानक से कोई प्रॉफिट हो सकता है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक अगर मैं वन वर्ड बोलूंगी ना आपकी रीडिंग के लिए, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिचुएशन वर्कआउट हो रही है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ तो भी लोग यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अगर अनमैरिड हैं तो बिल्कुल उनको मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल आ रहे हैं, इस वजह से आपकी फैमिली में खुशियां आ रही हैं। कोई पर्सन आपके साइड खुद ऑफर लेके आ रहा है। यहां मुझे दो टाइप की सिचुएशन दिख रही है। पहली लव मैरिज के सिचुएशन बन रही है कि आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे थे वो पार्टनर आपके पास आ रहा है। दूसरी अरेंज्ड मैरिज का, कि आपके फैमिली मेंबर्स अभी तक जिस पार्टनर के साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, आपके फैमिली मेंबर को उनके साइड से कम्युनिकेशन मिलेगा और आपकी मैरिज में भी फिक्स हो सकती है, या आपके फैमिली मेंबर में से किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। मतलब मैरिज से रिलेटेड स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई है। और जो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, और जिनका नहीं आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मे बी आप इस मंथ में कुछ पॉजिटिव चीजें नोटिस कर सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग वीकली प्रिडिक्शन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मंथ में आपके साथ काफी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, आप नोटिस करोगे। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखना चाहूंगी। आप तो काफी पॉजिटिव एनर्जी में है, आपके पार्टनर इस वीक में क्या इस मोड में है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है? जब आप इतने पॉजिटिव हैं, वो खुद आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं, तो वो किस एनर्जी में है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कही रही थी मैं अभी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बोला था कि इस मंथ में आप कुछ लोगों का यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गई और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने उसको प्रूफ दे दिया है। आपके पार्टनर में बता दूं, अभी तक अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो उन्होंने सारी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का सोचा है, आपको ऑफर देने का सोचा है, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटी देखते हैं जो एक क्वीन में होना चाहिए, जो एक पर्सन में भी होना चाहिए, वो सारी क्वालिटी आप में देखते हैं। तो वो जो नेगेटिव लोग इनकी लाइफ में, उन सबको पीछे छोड़ के, कोई ऑप्शंस भी होंगे ना तो उसको पीछे छोड़ के, मून जैसी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में होगी, नेगेटिव सिचुएशन उनकी लाइफ में होगी, तो सारी चीजों को पीछे छोड़ के आपके साइड आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ पॉजिटिव एक्शन आपके साइड लेना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग इस मंथ में आप देख सकते हो, मे बी कुछ लोगों की इस वीक में भी आ सकती है कि आपका कम्युनिकेशन हो जाए, आप वापस से रिकनेक्ट हो जाएं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस मंथ में आपके पास आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। बस आपको ट्रस्ट करना है, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से बड़ा कार्ड इन सब में कोई भी नहीं है, ओके। अब देखते हैं कि वो आपके पास किस टाइप का कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, या कोई ऑफर लेके आने वाले हैं। वैसे तो मैंने बता दिया ऑफर लेके आ सकते हैं, लेकिन और क्या कम्युनिकेशन इस वीक में वो कर सकते हैं? डेविल, ओके, मैं कह ही रही हूँ, जो नेगेटिव लोग थे ना इनकी लाइफ में, जिन लोगों ने इनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा था, या कुछ ऑप्शंस इनको दे के रखे थे, इस वजह से अभी तक ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। डेविल जैसी एनर्जी को ना इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, डेविल से मूव ऑन कर लिया और आपके साइड आना चाहते हैं। बॉटम में आया है टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग सिचुएशन में अगर ये चल रहे होंगे तो बाहर आ जाएंगे इस वीक में, और जैसे ही वो सिचुएशन से बाहर आएंगे आपके साइड वो एक्शन लेके आने वाले हैं,
ठीक है, और जरा कार्ड देखूंगी एक्शन से रिलेटेड किस टाइप का एक्शन वो ले सकते हैं। जगल क्यों कर रहे थे? जगल इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि यहाँ डेविल जैसी जो एनर्जी थी, नेगेटिव जो लोग थे, उन्होंने इनके पास कुछ ऑप्शंस देके रखे थे, तो वो आप में और इन ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट फिलहाल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक्शन लेना है तो आपके साइड ही लेना है, आगे बढ़ना है तो आपके साइड ही बढ़ना है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन मुझे लग रहे हैं कि इनके फैमिली की ये बहुत सुनते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स ने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको यहाँ नहीं जाना या आपको ये काम नहीं करना है, तो भाई वो तो मान के रहेंगे, किसी और की सुने या ना सुने, अपने फैमिली मेंबर की बहुत सुनते हैं, रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन है ये। इस वजह से भी मे बी हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर ने इनको ऑप्शन दिए हो तो उनको मजबूर होके उनके थॉट्स को फॉलो करना पड़ा हो। और ये मुझे सोशल वर्कर भी लग रहे हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, अगर ये बोलते भी हैं तो इस टाइप के पर्सन है। बॉटम में आया पेज ऑफ कप्स, ऑफर लेके तो आपके पास ही आ रहा है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, छोटा ही सही बट ऑफर आपके पास आ रहा है। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। टेम्परेंस, आपको सिंपल सी गाइडेंस है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, सारी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीज जो भी करेंगे भगवान करेंगे। ये जो कप लिए हैं, आप दोनों का कप मिलाने का काम भी भगवान ही करेंगे। सन है, खुशियां आपके पास आ रही हैं, यूनिवर्स आपको अवेक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप अपने कर्म करते रहिए, बाकी सारी चीजें उन पे छोड़ दीजिए। बॉटम में आया है एट ऑफ पेंटिकल, वही कर्म करिए, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आपका काम ये करना है, बाकी आपका काम ये नहीं करना है कि डिवाइन टाइमिंग लाना है, डिवाइन टाइमिंग तो भगवान ही लेके आएंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कर्म करना है। ठीक है, अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाते रहिए, प्रे करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है,